ये है जी, एज 37 ईयर्स, माइग्रेन पेन का मरीज है, कहते हैं सफर्ड फ्रॉम द माइग्रेन फॉर ओवर 15 ईयर्स, जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक ऑन द हेड एंड गोज ऑन द राइट साइड ऑफ द स्कूल, पल्सेटिंग पेन इफ इट गोज आल्सो कॉज नाउसिया, आई डोंट नो नाउसिया, नाउसिया ठीक है. Currently taking Cambia oral solution to cure. लेकिन जी ये नर्व गर्दन के दर्द भी है इनको, और इनको इनको नौसिया भी है, और इनको माइग्रेन भी है. ये माइग्रेन के नुस्खे भी मैंने कई दफा बताए हुए हैं, लेकिन बहर चले बता देता हूँ आज फिर एक. अल्लाह ताला फजल करे सब पे जिनको भी ये माइग्रेन का मसला है, नौसिया है, और ये माइग्रेन की दर्द रिलेटेड टू स्टोमिक होती. जिन लोगों का भी मैदा खराब होगा उनको माइग्रेन की तकलीफ होगी, उनका निज़ाम हाजमा ख़त्म हो गया होता है, उनकी निज़ाम मैदे में मैदा उनका एक्चुअली ना, उन्होंने मैदे का अपना सत्यानाश किया होता है, कुछ खा के कुछ पी के कुछ इधर उधर करके जो भी करते हैं, ये मैदे की बीमारी है एक्चुअली. अगर आपका मैदा ये ठीक हो जाए, निज़ाम हाजमा आपका ठीक हो जाए, आपको माइग्रेन नहीं होगी. उसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठू. तो इसलिए ऐसे तमाम लोग जिनको माइग्रेन की तकलीफ है, सब्र के साथ तहम्मुल के साथ एक तो अपनी डाइट चेंज करें. डाइट चेंज करना इसमें बहुत जरूरी है. मसलन ये जो आप फिजी ड्रिंक्स वगैरह या ये रेड बुल और ये जो इस किस्म की ताकत अपने आप को ताकत देने की दवाएं समझते हैं, ये ताकत देती हैं, इन सब को छोड़ें. ये सब चीनी है, चीनी और प्लस केमिकल्स, ये आपको बर्बाद कर देते हैं आपके मैदे को. वक्ती तौर पे तो शायद आपको कोई ताकत मिलती हो, थोड़ा सा सुकून होता हो रेडबुल पी के. मैंने वैसे कभी जिंदगी में नहीं पिया रेडबुल, मुझे पता है उसमें क्या होता है. तो ये बच्चे जो हमारे हैं और बड़े जो हैं, ये वही चीज़ें इस तरह की खा के उन्होंने अपने मैदे खराब किए हुए हैं, और उससे वो दर्द होती है, फिर वो अंधेरे में लेटे रहते हैं, फिर लाइट पसंद नहीं होती, फिर उनको जून लाइट देखेंगे तो उनको सरदर्द शुरू हो जाएगी, तो चीखते हैं चलाते हैं, मतलब निडाल होते हैं सदर से. तो ऐसे तमाम लोग अपने आप के अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपने सरदर्द आपके ठीक हो जाएंगे. सबसे पहले तो ये जो मैंने बताया ये चीज़ें, ये छोड़ें पीना, और उसके बाद फिर आप नक्समी का 200 में 3 दिन खाएं, और उसके बाद छोड़ दें. आपके जिस्म को एक सुकून मिलेगा इससे, आप महसूस करके मुझे बताएंगे बात. 3 दिन नक्समिका खाने के बाद फिर आप खाएंगे लाइकोपोडियम 30, नेट्रम कार्ब 30, आयरस वेर्स 30, सेंगुनेरिया 30 और स्पाइजेलिया 30. ये पांचों दवाएं आप 30 में मिला के रख लें और इसको इस्तेमाल करें अपने माइग्रेन के लिए. तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला चंद हफ्तों में आप कहेंगे कि माइग्रेन है, माइग्रेन क्या थी, माइग्रेन तो थी नहीं, ये क्या थी. शायद 2-3 महीने लग जाए आपको. बहरहाल ये नुस्खा आप जारी रखें, और खाना खाने से पहले खाया करें, आधा घंटा पहले. इसी जिम्मन में मुझे